हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शिव को पाना अद्भुत है, शिव में मिल जाना अद्भुत है पंचभूत है महाभूत, शिव में समाना अद्भुत है सालों योगी तपते वन में, शिव को पाया अंतर मन में, कोई पार नहीं कोई आर नहीं, कोई छोर नहीं कोई पोर नहीं, वो शिव है शिव, मैं शिव हूँ शिव। रोम रोम में शिव, प्रेम अगन में शिव, छाया है शिव मोह माया है शिव, वो निराकार ब्रह्मांड, मैं अधम पापी सा, फिर भी मेरे जप में शिव, मेरे तप में शिव, इस नभ में शिव, सृष्टि में शिव, दृष्टि में शिव है महाकाल महाप्रलयंकारी, भक्ति मुक्ति विनाशकारी, तांडव में शिव, हर शव में शिव, हर जीवन शिव है शक्ति शिव, मेरे रोम में शिव, मेरे सत्य में शिव है अंतर्यामी, कौन हो तुम, मेरी सांसे तुमसे बस है शिव, है आखिरी ये अरदास सुमी, मैं तुझ में रहूं सदा तू मुझ में शिव, मैं तुझ में रहूं सदा तू मुझ में शिव। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत होती है शिव की भक्ति, अगर एक बार उस निराकार में आप लीन हो जाएं तो आपको कोई भी दुनिया में ताकत दिगा नहीं सकती, कोई मुसीबत आपके जीवन को छू नहीं सकती। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है और इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को चुटकियों में पूरी करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति आपको प्रदान होती है। दोस्तों, शिव पुराण में एक ऐसा शास्त्र है शिव पुराण जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यमयी बातें बताई गई है और इस पुराण में बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं तांत्रिक, जो हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर करते हैं। हर एक इंसान के लिए धन बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जीवन के लिए दोस्तों असंतोष का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो लोग संतोष वाले हैं फिर भी उनको धन तो चाहिए ही जीवन यापन के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। इसलिए जीवन की धन से संबंधित समस्याओं से जूझने के लिए, परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की प्रॉब्लम्स को दूर करते रहना ज़रूरी होता है। अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं दोस्तों ये उपाय, और इन उपायों से जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इससे आपके पिछले जो पाप हैं, गलत कर्म आपने किए जाने अनजाने, उन सब की क्षमा प्रार्थना भी होती है, आपका भविष्य सुखद बनता है। दोस्तों, यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा उपाय जो आप रोज रात को करें, आपके जीवन में कष्ट आएंगे भी तो कैसे गायब हो जाएंगे धीरे धीरे वो आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको कुछ नहीं करना होता है, शिवलिंग के पास रात के समय एक दिया लगाना होता है। पुराने समय से ऐसी बहुत सारी परंपराएं प्रचलित है जिनका पालन करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, और इन प्रथाओं का पालन ना करने पर कई बार दुखों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ भगवान हमें कभी पाप नहीं देते, लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो आपको ध्यान रखें, आपने अक्सर देखा होगा जो पापी होते हैं वो ज़्यादा पूजा करते हैं, वो ऐसा है दोस्तों उनको अपने पापों से बचने के लिए ये उपाय करते रहने पड़ते हैं। अगर आप अपने कर्म को अच्छा रखते हैं, अपने परिवार के प्रति आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आपको कभी किसी प्रकार की पूजा, आपके अंदर खुद भगवान समाए होते हैं, ऐसे इंसान को पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम मनुष्य क्या है, पापी हैं, अधम हैं, और हमने जीवन में कितने सारे पाप किए हैं, इन पापों से मुक्ति के लिए, हमारे ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए हमें ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात के समय शिवलिंग के सामने आपको दिया लगाना चाहिए। बहुत ही फेमस कथा है, मैं आपको वो बता देती हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नाम का एक बहुत ही गरीब इंसान था और रात को भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में उसको रात हो गई और वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। अब गुणनिधि ने सोचा कि इस रात को इधर विश्राम इसी मंदिर में कर लेता हूँ। रात के समय वहाँ पे बहुत गहरा अंधेरा हो गया था और इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी शर्ट जला दी। रात का समय था, ठंड का समय था, उस शर्ट के से उसको थोड़ी सी गर्मी तो मिली और साथ ही साथ थोड़ा सा उजाला हुआ। रात के समय भगवान शिव के सामने उसने प्रकाश कर दिया।
फलस्वरूप उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के, जो आप सुनते हैं अक्सर, कुबेर देवता आप पर मेहरबान होंगे, कुबेर जी आपके ऊपर मेहरबान होंगे, वो धन के देवता हैं दोस्तों, वही कुबेर देवता थे वो, और उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष बनाए गए। और ऐसा माना जाता है इस कथा के अनुसार कि शाम के समय शिव मंदिर में अगर आप दीपक लगाते हैं तो व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे आप बाहर जाकर के किसी मंदिर में जाएं, और लेकिन नियमित रूप से रात के समय अगर आप बहुत सारी धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो कम से कम 43 डेज लगातार आप ये उपाय को करें। अगर आप लेडी भी हैं तो 21 दिन आप खुद कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं, 21 दिन दो बारी कर लें। बाकी आप अगर आपके घर के फैमिली मेम्बर हैं तो मिल के आप 43 डेज इसको चला सकते हैं। जब आप दीपक जलाएंगे उसके समय आपको ओम नमः शिवाय, बिल्कुल सिंपल मंत्र दे रही हूँ, शिव जी भोलेनाथ हैं, ऐसे ही प्रसन्न हो जाने वाले छोटे छोटे उपायों से, और सिर्फ ओम नमः शिवाय या बम बम भोलेनाथ की बोलने से ही वो खुश हो जाते हैं। उस समय आप बम बम भोले या ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करते रहें और दीप जलाएं, 5 मिनट शांति से शिव जी के सामने बैठें। और दोस्तों, शिव जी के इस पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं सभी पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में एक और बहुत ही सटीक सा उपाय बताया गया है, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो अपार धन संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सुबह शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि सामग्रियों से पूजा करें। और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसको करके आप शिव जी को वैसे ही मना सकते हैं। क्या करना है आपको दोस्तों? आपको लेना है सिर्फ एक मुट्ठी चावल, और उस एक मुट्ठी चावल को ले करके आप पहले 1.25 किलो चावल ले लें, और उस 1.25 किलो चावल को आप किसी पैकेट में या किसी भी चीज़ में भर लें। अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, आपकी जैसे पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से ये उपाय करना है। 1.25 किलो चावल अपने पास रख लें और उसमें से एक मुट्ठी चावल आपको ले लेनी है, और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपको दोनों हाथों से उन चावलों को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों, अगर आप एक मुट्ठी चावल लेकर दोनों हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और फिर जो बचे हुए चावल हैं वो ज़रूरतमंदों को दान कर देते हैं दोस्तों, हर सोमवार अगर आप एक महीने तक भी ये उपाय कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। माना जाता है धन कुबेर आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, चावल को बहुत ही शुभ माना गया है हमारे घर में, हम कलश पे रखते हैं, पूजा चौकी पर रखते हैं, माथे के तिलक पर रखते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप शिवजी पे सिर्फ अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल भी चढ़ाते हैं तो दोस्तों ज्योतिष में हम मानते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भय है, क्लेश है, गरीबी है तो आप चाहे तो रोज ये काम करें, या फिर आप कम से कम सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तिल होते हैं जो तिल के फूल आते हैं, अगर कहीं से आपको ये तिल के फूल मिल जाएं या आंकड़े के फूल मिल जाएं तो वो आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। आप चाहे तो धतूरे के फूल भी चढ़ा सकते हैं, और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। 11 माला का शिव जी के सामने बैठ करके सोमवार के दिन उच्चारण करके बोल बोल करके एक आप तेल का दिया जला लें वहाँ पर, और फिर शिव जी की ओर मुख करके बैठ जाएं, और उसके बाद वहाँ पे ओम शंकराय नमः का 11 माला का जप करना है। एक माला 108 मंत्रों की होती है, और ट्राई करें रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप कर सकें तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी शादियों में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो दोस्तों आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं आपके मनपसंद प्रेमिका या पत्नी पाने के लिए। बॉयज़ ये उपाय कर सकते हैं, रोज आपको ओम भगवते उमा देव्ये शंकर प्रियाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, बेला के फूल होते हैं, बेला के फूल को आप शिव पार्वती जी को अर्पित करके प्रार्थना करनी है, इससे मनपसंद प्रेमिका या पत्नी मिल जाती है। दोस्तों, अब आप मुझसे ये ना पूछे बेला के फूल नहीं है तो क्या करने हैं, फिर आपको जो भी वाइट फूल मिले, आंकड़े का मिले, जो भी आपके पास मिलता है उस फूल को आप सच्चे दिल से ले करके शिव जी पे चढ़ाएं। ध्यान रखें, केतकी के फूल आपको नहीं चढ़ाने, उन फूलों का यूज़ आप ना करें।
अगर दोस्तों आपके घर में धन के लिए, तो मैंने एक छोटा सा उपाय और मैं बता देती हूँ। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं आप शिव जी पे कमल के फूल चढ़ा के। तो अगर आपको अगर कमल के फूल मिल जाते हैं तो ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर आपको कमल के फूल अर्पित कर देने हैं। इससे शिव जी तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आप पर अपनी ज़बरदस्त कृपा बरसाती है, घर में वैभव की बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों जीवन, हमें सब कोई को छोटे जीवन से डर लगता है। हर आदमी, सबको पता है कि उसको जाना है, चाहे वो 50 में जाए, चाहे 60 में जाए, चाहे 100 में जाए या 20 में जाए, पर जाना तो हर किसी को है, कोई आगे कोई पीछे। फिर भी मनुष्य मृत्यु के नाम से डरता है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयु हो। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए, आपको आयु बढ़ाने के लिए, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कम से कम 5 मिनट तक चुपचाप बैठकर ज़रूर करना चाहिए। ध्यान रखें, शिवलिंग की पूजा करनी है और मंत्र के साथ शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और थोड़े से इत्र चढ़ाने हैं। दोस्तों इससे आयु में वृद्धि होती है और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में अगर रोग दोष भी आते हैं तो आप छोटा सा एक काम कर लेते हैं, नियमित रूप से कनेर के जो फूल होते हैं उसको चढ़ा करके ओम रोंग जुंग सह मम पालय पालय सह जुंग रोंग ओंग इस मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, या फिर नॉर्मल महामृत्युंजय मंत्र का आप उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो रोग आपके शरीर से दूर हो जाते हैं, आयु लंबी होती है। दोस्तों कई लोग वाहन और मकान का सुख चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए चमेली के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। रोज़ ऐसा करें, 43 डेज तक करें, आप देखेंगे आपके योग बनने लगेंगे। अगर आप अगस्त के फूल आपको मिलते हैं तो ओम नमः भगवते रुद्राय का मंत्र जप करते हुए अगस्त के ये फूल आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर सोमवार को, तो आपको मान सम्मान यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कोई लोग अगर बच्चे की कामना करते हैं, संतान की कामना होती है, तो आपको नियमित काले धतूरे का फूल लेना चाहिए जिसमें धतूरे के पौधे का डंठल लाल होती है, उसे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना चाहिए और साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करें। मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप पाठ करें और शिव चालीसा का 11 पाठ करें। दोस्तों ऐसा आपको 43 डेज तक लगातार करना है और आपको रोज 11 पाठ करने के बाद आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपको संतान प्राप्त करे। दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। दोस्तों एक से एक उपाय बताए गए हैं शिव जी के, और जो लोग भी शिव जी का कोई भी उपाय करते हैं उनको अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं। दोस्तों हर सोमवार को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी उनके सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। जो लोग शादी के लिए कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, वो गुरुवार के दिन एक गाय को गेहूं के आटे से बनी हुई 2 रोटियां ले लें और गुड़ ले लें थोड़ी सी, उसको शिव जी पे चढ़ा के किसी लाल गाय को खिला दें, हो सके तो बैल को खिलाएं पॉसिबल हो तो, और आप देखेंगे दोस्तों कैसा आपके ऊपर कमाल होता है। साथ ही साथ एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट शादी के लिए और उपाय बता देती हूँ, नहाने के पानी में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना है और 11 सोमवार आपको शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करनी है। अब शिवलिंग पर हल्दी कैसे अर्पित करेंगे, आपको जो शिव जी की लिंग है उस पर अर्पित नहीं करनी है हल्दी, वो जो जलेरी होती है जहाँ से जल बह के जलधारी होती है उसमें आपको हल्दी लगानी है। ध्यान रखें ये बात दोस्तों, शिवलिंग पे आपको हल्दी नहीं चढ़ानी है, जो जलधारी है उस पर आपको चढ़ानी है। और दोस्तों अगर जब भी किसी लड़की को आप दिखाने के लिए लेके जाते हैं बात फाइनल करने के लिए, तो लड़की के बाल हमेशा खुले रखें और रेड कलर के वस्त्रों में रखें, तो दोस्तों शादी की बात जल्दी पूरी हो जाती है। बहुत सारे उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, चमत्कारी उपाय। दोस्तों सोमवार है, कर लीजिए कल से शुरू और फिर आप देखिए, और दीप तो आज रात से ही जलाना है। अगर जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों एक दीप रात को शिवजी के आगे, शिवजी के शिवलिंग के आगे जलाएं और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। आपके फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन फैमिली, जो लोग भी जीवन में इस अंधकार से परेशान है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, दोस्तों एक बार शिवलिंग के आगे रात को दीप जला
जाकर देखिए, शिव जी के आगे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस शिव से कनेक्ट कर लीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं रफू चक्कर हो जाती है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।